नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज, मारपीट और पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में एक नामजद मामला दर्ज किया गया है। घटना के समय 10 से 15 अन्य आरोपी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन फिलहाल उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। घटना 30 अगस्त की है। देवास के भरोसा टोल नाके पर भोपाल से इंदौर जा रही एक बस को देवास पुलिस द्वारा रोका जाता है और 2 नाबालिग प्रेमियों को बस से उतारा जाता है। बस से उतारते ही लड़के की बेरहमी से पिटाई हो जाती है। पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड होता है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग लड़के की पिटाई करने वाले ये लोग बजरंग दल और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। देवास पुलिस को प्रेमियों की जानकारी बलिया पुलिस ने दी थी, क्योंकि दोनों ही लड़का और लड़की उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं और बलिया पुलिस उनकी बलिया से लेकर देवास तक लोकेशन ट्रैक कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि जब 2 राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस, कोई संयुक्त कार्रवाई कर रही थी तो बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के लोग बीच में कहां से कूद पड़े। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, क्योंकि यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ही हिंदू हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के महेश्वर में चल रही एक तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन के शिव और नंदी के बीच चप्पल पहनकर निकलने की एक फोटो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने गुरुवार को महेश्वर थाने पर जाकर फिल्म के डायरेक्टर मनी रत्नम और हीरोइन कृष्णा कृष्णन के खिलाफ FIR रजिस्टर करने की मांग की। अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ में किर्गी जल प्रदाय योजना की पाइपलाइन गुरुवार सुबह अचानक से फूट गई और हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फूटने से 53 गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। फिलहाल सप्लाई रोक दी गई है और पाइपलाइन को सुधारने का काम जारी है। उमरिया पुलिस ने 22 अगस्त को एक मस्जिद से करबला तक धारदार हथियारों के साथ जुलूस निकालने और शांति भंग करने के आरोप में 50 लोगों के खिलाफ IPC की कई धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के घरों की तलाशी भी ली है और भारी मात्रा में धारदार हथियार बरामद किए हैं। बड़वानी जिले में नसबंदी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की बुधवार को मौत हो गई। महिला को देर रात इंदौर रेफर किया गया था। गुरुवार सुबह महिला के परिजन बड़वानी जिला हॉस्पिटल पहुंचे और शव को कैंपस में रखकर घंटों हंगामा किया। परिजन ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने एक डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच चल रही है। लोकायुक्त पुलिस ने विदिशा की सिरोंज नगर पालिका में पदस्थ एक सब इंजीनियर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी अशरफ अली एक ठेकेदार से बिल पास करवाने के लिए 1,30,000 की रिश्वत मांग रहा था और गुरुवार को रिश्वत की पहली किश्त लेते हुए दबोचा गया। इंजीनियर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अब बात मध्य प्रदेश में हो रही मॉरल पुलिसिंग की। हमारे साथ मौजूद है संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी। सर, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, देवास में 30 तारीख को नाबालिग प्रेमियों को बस से उतारा जाता है और उनकी जमकर पिटाई लगा दी जाती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सही है या गलत है? देखिए, अगर कानूनन कुछ बात गलत होती है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमानों के लिए, कोई एक विशेष, और आपको भी आपके चैनल को भी विशेष वर्ग के लिए बात नहीं उठानी चाहिए। जब मॉब लिंचिंग होती है तो कभी कभी आप बहुत सारे वीडियो आते हैं, उनपे भी आपको डिबेट करनी लेकिन चाहिए। ये मामला सही है कि गलत है, ये बताइए आप। ये सही घटना है? नहीं, देखिए, घटना आप अपराध का कोई समर्थन नहीं करता, चाहे बजरंग दल हो चाहे संस्कृति बचाओ मंच हो या कोई। हमने तो बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच का नाम लिया ही नहीं। आपने लिया, पहले बात वही हुई है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। मैं कह रहा हूँ अपराध कोई भी करे, अपराध अपराध है। अपराध की जो अपराध का अगर किया है तो शासन उसका काम देखेगा। तिवारी जी, आप स्वयं पहले बहुत सारे मामलों में इस तरह के रहे हैं, मैंने देखा है कि जब कोई दो धर्मों के लोग प्रेम करते हैं आपस में तो आप लोग उनको अलग करने का काम करते हैं।
तो उस समय तो मामला जायज रहता है, लेकिन इस बार दोनों लड़का और लड़की हिंदू थे, तो इस बार आप बोल रहे हो हेमंत जी, जी बात आप कर रहे हैं केवल हिंदू और मुस्लिम की, जब मुस्लिम लड़की रहती है और हिंदू लड़के रहते हैं और जब हिंदू तब आप नहीं उठाते बात को, तब अच्छा, आपको अच्छा, उठाने की वो नहीं रहती। अच्छा, इन बातों पे डिबेट करने के लिए आपके पास वो अच्छा, नहीं रहती है ना, लेकिन बताइए मुझे आज तक कर कार्ड की मुझे बताइए ना। अच्छा ठीक है नहीं रहती, लेकिन जब लड़का भी हिंदू है लड़की भी हिंदू है तो क्या दिक्कत है? देखिए कोई मैंने कहा, मैंने बोला ना अपराध अगर किया है तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। तो अपराध अगर हुआ है तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे, इसलिए बजरंग दल और बाकी हिंदू संगठन अब मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।